क्या एसडीएम कहाँ है? नमस्कार, ठीक है, बताओ बताओ। क्या क्या मदद की परिवार बुजुर्ग की के लिए आपने? सर जो भी सफर की योजना है वो सब में काम करती है, जैसे विधवा पेंशन इनके लिए, तो उसके लिए आवेदन करवा दिया। उसके बाद एक राष्ट्रीय बाल सेवा किस योजना दिन है, हुई ये घटना? कितने कितने तारीख को हुई? क्या तो अभी तक आवेदन ही चल रहा आपका? है अभी तक आप आवेदन ही अभी हुआ? ऑनलाइन आवेदन, अभी समाज कल्याण अधिकारी हैं कहाँ कहाँ पे? है समाज कल्याण हाँ अधिकारी? कि भाई राजेश झुके होंगे ना, देख लो देख लो, अब पात्र नहीं मिलते आप तक, बताओ क्या करें। नहीं देखो नहीं हम करवा रहे हैं। ऐसा है, हमारी एक बात जानो जी भैया, इस वर्दी को देख के ना मरे से मरा आदमी अपने आप को ये महसूस करता है कि अब मेरी रक्षा वाले आ गए हैं। इसको अपमानित मत होने दो। ये जो अशोक चक्र है ना, ये अशोक की लाठ का निशान, ये देश की शान है, इसकी रक्षा करो यार। वो सारी कब चीजें कौन से बैच में भर्ती हुए? तो उस दिन पता लग जाएगा नौकरी कैसे गई रहती है। एसडीएम साहब, यहाँ ग्रामीण पट्टे नहीं है, थोड़ा तो यहाँ तो पानी की व्यवस्था मुझे उस तरह की नहीं लग रही है। नहीं ये सीओ कहाँ है? सीओ राजेश बार जी, बार ये पूरा मामला, इसमें क्या क्या कार्रवाई हुई बताओ। चेयर तो नहीं है यही चेयर? नहीं कोई बात, कोई कोई बात। हुआ यह है कि जिस दिन मर्डर हुआ था उसके पहले ही दिन जो 3 लोगों के खिलाफ तहरीर मिली थी हमें, ठीक है ठीक अचल यादव उनके 2 बड़े बेटों के खिलाफ, है। जो इनके सिपदर जो बड़े भाई हैं उन्होंने हुआ दी मुकदमा सिद्धत कहाँ है? है आओ आ गया इनके द्वारा तहरीर करवाई गई थी, सिद्धत, आ बैठो, इनसे बात यहाँ बैठो, करके। ये जो बताते रहेंगे, बेटा तुम इधर आ मेरे पास, जो बताते रहेंगे बताना है सही है गलत। बैठो बैठ के बता बताओ, तुमने तहरीर दी थी कितने लोगों के खिलाफ? नहीं, आपने तहरीर में कितने लोगों का नाम दिया? तीनों का दिया, तीन ही का दिया ना? कौन कौन? अतर सिंह का अतर सिंह, और एक तो उसका लड़के का अमन नाम था, अमन एक और आकाश। आकाश। अच्छा ठीक, ठीक तो 3 लोगों का नाम दिए इन्होंने। पहले दिन तो उसका जो पिता है अचल सिंह वो पकड़ा गया, ठीक है उसके बाद फिर जिस दिन पोस्टमार्टम हुआ उसके शाम तक हम लोगों ने दोनों बेटों को पकड़ लिया और ठीक है दोनों जो है जेल में चले गए, ठीक तीनों का रिमांड हो चुका। और इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाई गई ठीक है जो सारे तरफ, हम लोगों ने दो दरोगा कंटिन्यूसली 24x7 प्लस 8 सिपाही यहाँ पे लगाए रखे, ठीक फिर है यहाँ पे चौकी इंचार्ज भी यहाँ पे लगातार जो है मूवमेंट में। ठीक है। इसके बाद सर इसमें जो है अभी हम क्यों लोग क्यों लगा ये सब? तक सुरक्षा के तनाव लिए गांव में समझ आपको लो। ऐसा लगता है कि उन पर दोबारा हमला हो सकता है? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं नहीं है कि दोबारा हमला नहीं हो सकता, दोबारा उसमें ऐसे चोट भी यहाँ पे लगी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेंगे नहीं तो होगा। पोर्ट ये जो यहाँ का स्प्लीन होता है वहाँ पे चोट लगी है, किसी डंडे से मारा है, वही इंटरनल जो ब्लीडिंग होती है ब्लडिंग, हाँ उसके कारण से डेथ मौत हुई। हुई है। हाँ उसी कारण से लाठी डंडे का चोट उसी मौत हुई है। और वो इवन हम लोग आगे के प्लान में इन पे जो है ये भी है कि कड़ी सजा मिले तो इनको ये जो है जो इनकी पत्नी है उनको दादा को हम लोगों ने वादिया मुकदमे इसमें गवाही चश्मदीद गवाह बनाया कि मौके पे प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि बाकी गवाह हटेंगे तो ये नहीं हटेंगे, ठीक है, इसीलिए इनको इनको और दो एक लोगों एक को मिनट रुक जाओ। तो इनको ये पता आपको है। पता है कि आपको उस मुकदमे में गवाह बनाया गया है? नहीं पता? बताया नहीं उन्होंने आपको? क्यों भाई? अभी नहीं बताया गया, बताया आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उससे संतुष्ट हैं आप? पहले मेरी तरफ देखो, ये मत समझो कि कौन आया, समझो तुम्हारा भाई आया। तो मुझे बताओ, कोई भय है किसी बात का? कोई डर है क्या? तो माना जाऊं नहीं, भाई नहीं गए या उनमें डर आवे, हमला कैसा का था मैं कब तक प्रशासन बाहर रहेगा सर? हमको हमको ये बताओ आप। प्रशासन हमको जिंदगी भर नहीं रहेगा, हमारा वो जो था हमारा भरण पोषण के लिए वो तो मर गया, हम तो रास्ते में चले गए सर, सड़क पर उतर गए, हमारे लिए कुछ नहीं बचा सर। अब
अगर अन्य धर्म का होता सर अभी तक बुलडोजर चल जाना चाहिए, अभी तक सर बुलडोजर तक नहीं चला। अगर नहीं हूँ वहाँ पे अगर कानून चला पा रहा, सरकार नहीं चला रहा, हमारी झोपड़ी भी सर सरकार चला दे बुलडोजर, हम देखो सर उतरी गए। हम तुमसे एक बात बताते हैं, जी सर अपने जीवन के नेचर में हमने महसूस किया है जी सर कि बुलडोजर चलाना किसी के भी घर पे ये अच्छी प्रक्रिया नहीं, बहुत मुश्किल से बनता है घर। आदमी गुस्से में, कभी कभी उत्साह में, कभी कभी घमंड में, अहंकार में कर देता है, बाद में पछताना पड़ता है। घर बनाने में बहुत समय लगता है, चाहे वो आपका किसी और का। मैं इस बात की कभी सहमति नहीं देता। तुम भी अपने मन में ये कष्ट मत रखो, पीड़ा मत रखो किसी का घर टूटे, लेकिन हाँ जिन्होंने ये अपराध किया उनको सजा मिलनी चाहिए। जी सर, सजा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। कोई डर है मुझे बताओ, खुल के बताओ इनसे, ये वर्दी वाले आपकी सुरक्षा के लिए, इनसे डरने की जरूरत नहीं है आपको। किस कोई और रह गया पकड़े बगैर, कौन है धमकी दे रहे थे द्वार पे आके, इसमें एक सर को नाम बताया है राजू, चार सीट में यहाँ पे नाम भी दर्ज कीजिए। बिल्कुल कर ले, मैंने तो बोला जब भी उसमें विवेचना ऐसी है, जो लोग मानने लगे उनका नाम तो हम लोग ने पहले, ठीक है। धमकी देने के लिए अभी इनका बयान बाकी है, ठीक है, अब इनका बयान बाकी है, जब इनके बयान में उसको वो कर दो, हाँ कर लेंगे, उसको इन्वॉल्व कर दो, ये तो हमेशा ऑप्शन खुला छोड़ रखा है, सप्लीमेंट्री में उसको बढ़ा दो, हाँ बढ़ा। जो भी ऐसा अराजक तत्व है जिसको लगता है इनको खतरा पैदा कर सकता है, या उनका इस तरह का कोई हितेशी हो जो खतरा पैदा कर, उसको उसको समझा दो। हर आदमी को, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, सबको इज्जत से जीने का अधिकार है, कोई भी मरना नहीं चाहता है। हर माँ को तकलीफ होती है, उसके बच्चों को तकलीफ हो, इनका साया उठ गया, अब क्या होगा इनका? क्या SDM कहाँ है? नमस्कार, क्या क्या मदद की परिवार के लिए सर? जो भी सफर की योजना है सब में काम करती है, जैसे विधवा पेंशन इनके लिए, तो उसके लिए आवेदन करवा दिया। उसके बाद एक राष्ट्रीय बाल सेवा, किस दिन हुई ये घटना, कितनी कितनी तारीख हुई? तो अभी तक आवेदन ही चल रहा आपका, क्या है अभी तक आवेदन नहीं हुआ? ऑनलाइन आवेदन होता है, उसके लिए प्रक्रिया करनी पड़ती है, चाहे जात निवास वो सब, सब बनवा के, ये आपके आपके कलम से बनता है, वो सब बन गया, वो सब बनवा के आवेदन कर दिया, और लगभग जो है पूर्णता की स्थिति में। कब तक? अभी समाज कल्याण अधिकारी, कहाँ समाज कल्याण अधिकारी? एक दूसरा राष्ट्रीय बाल सेवा, उसमें इनके दो बच्चे हैं, तो इनको 2,500 रुपये महीना मिलेगा इनको। ये जो छोटे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, हाँ, पढ़ने के लिए 2,500 रुपये महीना, दो बच्चे, दो बच्चों को मिलता है, दो बच्चों 18 साल तक, ठीक है। तो तीसरा इनको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है, उसमें 30,000 रुपये मिलता है, ठीक है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन के कोष के लिए भी हमने जो है यहाँ से भेज दिया है, ठीक है। देखो अगर इनके अलावा प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, उसमें उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया, तो इनका निर्माण हो जाएगा आवास का। ये घर है यही है और कोई भी है? दरवाजा देखा आपने, झुके आए होंगे ना कि भाई राजेश, झुके होंगे ना, देख लो। अब पात्र नहीं मिलते आप तक, बताओ क्या करें? नहीं नहीं हम आप करवा रहे हैं। देखो ये तो अगर ये घटना नहीं होती तो आपकी नजर पड़ती नहीं इन गरीबों पे। तो इस तरह भी लोगों को अपना जीवन यापन करना है। जिनके घर पक्के हैं उनको तो घर मिल जाते हैं, जिनके घर वास्तविकता में जो पात्र है उनको नहीं मिलते, और प्रधान भी इनकी नहीं सुनता बेचारों को, ना इनकी प्रधान सुनता, ना इनके कागज आप तक पहुंच पाते। कभी इनके मरने पे आप लोगों की नजर इन पे इनायत हो जाती तो शायद जो है इनके भी घरों जैसी बनने स्थिति आ जाती। इन्होंने हमसे कुछ अलग बताया था कि एसओएचओ से बहुत सारी दिक्कत है आपको, जब आपने बताया था कार्रवाई करना होता पहले, राकेश से दिक्कत है? नहीं नहीं, जो कौन है एसओएचओ, कहाँ है, किस तरह की दिक्कत है? अगर ये पहले कार्रवाई करते हैं, एप्लीकेशन पहले दी गई थी, उन्होंने नहीं कार्रवाई की, दो तीन घटना और हुई, हम लोग घटना में आए, वो कार्रवाई से करते नहीं। कहाँ है इतने महान SHO, कहाँ है? आप इस तरफ आओ उनके सामने से, इस तरफ भाई, इधर आओ। एप्लीकेशन कोई नहीं दी गई थी पहली बार, ठीक है, 112 नंबर पर बुलाया गया था, ठीक है। 112 नंबर जब यहाँ आई थी तब तक वो लोग यहाँ से जा चुके थे और मारपीट की। सर अभी बात समाज से जो महिला का बलात्कार हुआ था, बात तो उसमें सर FIR नहीं लगे, उन्होंने एप्लीकेशन फाड़ दी गई थी उसी दिन, एप्लीकेशन FIR लिखी गई। नहीं, हम पीड़ित परिवार ने बताया, हम मिलने गए थे सर, पीड़ित परिवार ने बताया है कि उन्होंने अपने मन से एप्लीकेशन लिखी, महिला का बयान। मैं आपको जो आपका अपराध नहीं है, मैं आपको उसमें नहीं वो करता, जिनका है उनको आने दो। आप ये योगेश जी, जी एप्लीकेशन फाड़ने में कितना आनंद आता है आपको? बलात्कार के एप्लीकेशन फाड़ दिया आप, बता रहे हैं संदीप जी?
पीड़ित परिवार ने सर हमें यही बताया, हमने आपसे बताया भी था जब फोन करके, जब हम पीड़ित परिवार के बयान लेने मेडिकल तो ऐसा है। हमारी एक बात जान जी, इस वर्दी को देख के ना मरे से मरा आदमी अपने आप को ये महसूस करता है कि अब मेरी रक्षा वाले आ गए। इसको अपमानित मत होने दो। ये जो अशोक चक्र है ना, ये अशोक की लाठ का निशान, ये इस देश की शान है, इसकी रक्षा करो यार। और अगर आप वर्दी वाले लोगों पे इस तरह के आरोप लगने लग जाए या इस तरह की उनके उसमें आ जाए तो ये अच्छा नहीं। तो वो जो बोल रहे हैं वो तो सरासर भैया, आप बताओ आपका पक्ष क्या है। मैं पक्ष ये इतना कहूंगा कि 161 के हैं, वीडियो है और मेडिकल भी हुआ है। अच्छा, उसमें 164 में भी बलात्कार नहीं। क्या 164 में केवल ये कहा कि ए बी पकड़ रहे हैं, लेकर आने में साथ में थे बस। वो सब कौन से बैच में भर्ती हुए? मैं तो भैया 94 94 सिपाही ना। आपको पता सुप्रीम कोर्ट ने रेप का दायरा कितना बड़ा कर दिया? इसीलिए उसमें धारा तो आप समझते हैं रेप को, रेप की कंडीशन है क्या आज के उसमें? दोनों अरेस्ट भी तो आप बयान पे नहीं कर सकते, वो मेडिकल का पार्ट है। फिर समझे मेरी बात को, मैं आपको फिर वो कहता हूँ, जरूरी नहीं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, ठीक है, जरूरी नहीं पेनिट्रेशन हुआ। बहुत सब उसका बहुत विस्तृत हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहुत विस्तृत कर दिया। आपको नहीं कहनी चाहिए ऐसी बातें बिल्कुल। मैं बताऊं वो बातें ये कोर्ट तय करती है सब चीजें, आप नहीं तय कर सकते। कभी इस तरह की चीजों में नहीं आना चाहिए। आपको पता है आपके एडी लॉ एंड ऑर्डर जो है, आप सब डीजीपी हो गए, क्या नाम है उनका? प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार वो हैं हाथरस वाले, उसमें आपको शायद आइडिया नहीं है। और जिस दिन कोई सही से जज के फंस गए तो उस दिन पता लग जाएगा नौकरी कैसे गई है। उन्होंने दिया था हाथरस पे स्टेटमेंट कि रेप नहीं हुआ बैठ के, सिर्फ सरकार खुश करने के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो भाई सुनाओ, सुनी सुनाई बातें नहीं कहा करते, पूरा तथ्य जाना करते तब, ठीक है। आप बताओ कोई परेशानी हो तो हमें बताओ बहन, हम यही खड़े हैं। और जब तक आपकी बात को बल नहीं मिलता तब तक आपकी आपकी लड़ाई नहीं कमजोर होने देंगे। बताओ भाई बेटा, बताओ इनको, इनको ये बताओ एसडीएम साहब, यहाँ ग्रामीण पट्टे नहीं है, सरकारी जमीन नहीं है, क्यों जाना पड़ता है इनकी बकरियों को? देखो इन पे यही रोजगार है, एक तो सरकार ने रोजगार नहीं दिया और दूसरा रोजगार ये है, तो अब खेत नहीं है तो जाएंगे दूसरे के उसमें, तो क्यों इनको जमीन नहीं दे सकते हो आप लोग? जमीन है इनके पास। कितनी जमीन है? कितनी जमीन है? तो आप लोग को लगता है 2-2.5 बीघा जमीन से जो एरियर मिलता है उससे पेट पल सकता है क्या? वो हिस्सा ही नहीं है, बिल्कुल बेकार है। यहाँ तो पानी की व्यवस्था मुझे उस तरह की नहीं लग रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई अभी, उसमें केवल 3-4 चोटें दिखाई दे रही, 3-4 चोटों में व्यक्ति की एक चोट में भी हो जाती है। कभी कभी तो कैसे होती है, मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ। अक्सर क्या होता है, जैसे आपको आप डर गए हो किसी बात से, भय हो गया है तो आपकी हार्ट बीट बढ़ गई है, उसी से आएगी तो वो पोस्टमार्टम आएगी, हार्ट अटैक से मौत हुई है। लेकिन असल में इसका कारण ये होता है कि आप भय में ये सब चीजें हुई है। तो कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको आप समझ नहीं सकते, लेकिन जब हत्या हुई है तो वो चाहे एक चोट आए या 2 चोट आए कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसमें। आप डटे रहो, आपको कोई परेशानी हो, संदीप यहाँ है, मैं अपना नंबर और दे देता हूँ, आप मुझे बता दो 24 घंटे 7 दिन किसी भी समय। आप जिसका नाम दोगे अपने बयान में वो सब जेल जाएंगे। राजू गए, रिंकू गए, इनका कहीं नहीं पकड़ पाए, मारे ना। आपके बयान होंगे अभी, कब कराओगे भाई बयान बताओ? इनके बयान कराओ, बयान में जिनका नाम दें उनका जो दोष हो उसके आधार पे उनको पहली बात उसमें इन्वॉल्व करो। पर दिया नहीं तो मार पर इसलिए कबूल है ये सर, इनका ये जो इन्वॉल्वमेंट होगा तो फोन से तो बात है तो ही होगी, इनका फोन नंबर, इनका कॉल डिटेल होगी उससे संपर्क करो। बच्चों को अपने पढ़ा बेटा, ये चोट लग जाए, चोट लग जाए, ला बोला ये तुम्हारे वाले कागज है, ये लो, कोई कुछ भी हो जाए तो मुझे बताना। जीवन कार्ड का है, दे दिया हमने इसे कागज, दे क्या कह रही हो? इनका कुछ सुना है कि ना? किनकी है? जेल है सब, सजा होगी सबको, सब सब सबको सजा होगी, कोई नहीं बचेगा।
गवाही देना डट के, और तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाएगा तो हम बैठे, ठीक है? नहीं डर नहीं भाई, इनकी जो है इनको नहीं नहीं रहेगा ना, रहेगा हमारी चौकी यहाँ पे, क्यों नहीं? कहाँ चौकी, कहाँ है? नहीं पता ना, चौकी गांव में चौकी है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, वी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि वी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID vmissiontv@YBL पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।